हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम 7 बज रहा है और मैं यहाँ पे आंगन में कुछ सफाई का काम कर रही हूँ। और बड़े आंगन का फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। तो फ़ायदा है, गर्मी के दिन में हम बाहर शाम में निकाल लेते हैं, खटिया और पंखा लगा कर यहाँ पर आराम से बैठ के चाय पीते हैं, तो फ़ायदा ये है। और ठंड के मौसम में भी यहाँ पे धूप अच्छे से आ जाता है आंगन में, तो यहीं पे बैठ के अपना धूप भी सेक लेते हैं। और नुकसान इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इसके साफ सफाई में भी बहुत टाइम लगता है और आंगन में एक कटहल का पेड़ भी है तो हमेशा पत्ता इस पर से गिरते रहता है। और साइड साइड में मैं गमला और बाल्टी कुछ डब्बा उब्बा ले करके फूल का पौधा भी लगा दी थी। और इसी कटहल के सामने मैंने एक कद्दू का पौधा भी छोटा सा लगा दी थी, तो वो भी अब बड़ा हो गया है, उसका लत्तर भी, तो उसको मैं बाद में आप सबको दिखाऊंगी भी। और इस कटहल का नीचे से कुछ डाली था पतला पतला, तो उसको काट दिए हैं मेरे हस्बैंड ने, तो उसको मैं बाहर निकाल के फेंक दी। और झाड़ू का काम मेरा हो गया है, तो अब यहाँ पे मैं आंगन को पानी से धो ले रही हूँ। और इसको धोने के लिए मैं चाहती तो पाइप भी लगा सकती थी, पर पाइप नहीं मैं लगाऊँगी इसको धोने के लिए, इसको मैं मग से ही धोती हूँ और हमेशा इसी तरह से ही मैं धोती हूँ ताकि मेरा भी कुछ एक्सरसाइज हो जाए और अच्छा भी लगता है, अच्छे से साफ भी हो जाता है। तो इसी तरह से मग से ही मैं पूरे आंगन को धो लूँगी। तो आंगन को धोकर मैं आ गई हूँ अब फूल में पानी देने के लिए। और यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर सा एक गुलाब का फूल खिला हुआ है जो पहले मैं नहीं देखी थी, अपराजिता का लत्ती था। तो अभी मैं पानी देने गई तो देखी कि अंदर में है। और यहाँ पे देखिए, यही कद्दू का पौधा है जो इतना बड़ा हो गया है। और ये देखिए, अपराजिता के बीच में गुलाब का फूल। तो कलर इस कैमरे से अच्छा नहीं आ रहा है, नहीं तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, गुलाबी कलर का है। और ये है सदाबहार अपराजिता, मैंने इसमें गेंदा का फूल भी लगाया है और अड़हुल का फूल भी। तो आंगन में ही इतना मैं लगा दी थी ताकि डेली पूजा में मेरा काम आए। और ये देखिए, कद्दू का ये लतर है जो छत पर जा रहा है। और मेरा दुर्गा पूजा में जितना भी अपराजिता फूल का ज़रूरत था वो सब फूल मेरा यहाँ पे मिल जाता था। और इसी के साथ ये अड़हुल का फूल भी है, तो इतना फूल मैं आंगन में रखती हूँ क्योंकि बाहर घेरा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे इतना फूल रखती हूँ ताकि डेली पूजा के लिए मेरा हो जाए। तो इधर मैं देख रही थी कि आंगन में कुर्सी जिस पर पानी का छींटा पड़ा हुआ था, तो उसको मैं धो करके और हटा दे रही हूँ। तो कुर्सी को हटा करके मुझे ध्यान आया कि गेहूं है पिछले बार का बचा हुआ, थोड़ा सा 3-4 केजी के करीब बचा हुआ है, तो उसको मैं धो ले रही हूं और धो के डाल दूंगी सूखने के लिए। और गेहूं धो के आ गई हूं मैं बरामदे में और चला करके पंखा में पहले नींबू और चीनी का शरबत बना रही हूं अपने लिए।
क्योंकि धूप भी बाहर अच्छे से हो गया है तो गर्मी टाइप का भी लगने लगा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। और 9 बज गया है तो उसके लिए पहले मैं अब नींबू पानी पीऊँगी, उसके बाद में फिर दूसरा कोई काम करूँगी। और नींबू पानी पीते पीते दिमाग में चल रहा है कि इसके बाद क्या करना है, तो नींबू पानी मेरा हो गया है और इधर मैं गेहूँ को धो करके जो रखी थी उसे पसार दी थी और आ गई हूँ अब मैं झाड़ू लेकर के रूम में झाड़ू देने के लिए। तो मेरा झाड़ू का भी काम हो गया है, झाड़ू मैंने सब रूम में और बरामदे में जितना था सो सब दे करके अब आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। तो पोछा लगा लूँगी तो उसके बाद मेरा ये झाड़ू पोछा का जो काम रहता है सो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में ब्रश करना है ना, खाना बनाना है, तो ये सब काम रहेगा। तो पहले मैं पोछा लगा ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा नहाना, पूजा करना और नाश्ता, ये तीनों ही काम मेरा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं करूँगी लंच की तैयारी। और आपको हाउस हेल्पर चाहे जितना भी कर दे, आपको खुद अपने से कुछ कुछ करना ही पड़ता है और अपने से करना भी चाहिए। हमारे शरीर के लिए भी घर का जो डेली काम है वही करने से ही हमारा एक्सरसाइज हो जाता है और हर औरत को ये काम करना ही चाहिए चाहे जो भी हो। और मेरे लवली फ्रेंड, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, आज के वीडियो बस इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।